कोपरगाव शहरातील मौलाना मुनीर उर्दू हायस्कूल येथे गोवर आणि रुबेला लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली असून या मोहिमेअंतर्गत शाळेतील 15 वर्षाच्या आतील तब्बल 410 विद्यार्थ्यांना ही लस दिली जाणार आहे. या मोहिमेच्या उद्घाटन प्रसंगी शेख सर यांनी मान्यवरांचा सत्कार केलाय. तर या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ जाकीर शेख, शाळेचे मुख्याध्यापक रियाज शेख, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉ गायत्री कांडेकर, हाफिज मोहम्मद खान, मौलाना आसिफ आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी डॉ कांडेकर आणि शेख सर यांनी विद्यार्थ्यांना या लसीविषयी माहिती दिली आहे. मुस्लिम समुदायामध्ये लसीविषयी चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याने डॉक्टर जाकीर शेख यांनी या लसीकरणाबद्दल मार्गदर्शन केले. ये सरकार की तरफ से जो है लसीकरण का जो प्रोग्राम स्कूलों में और प्राइमरी से इंटर पर जो चल रहा है ये बिल्कुल सेफ है और किसी भी तरह से इसका जो है तो कोई भी साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं है और ये देना लाजमी है, ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे जो है तो आगे चल के बड़े होने के बाद में मिजल्स है, रूबेला है, इन बीमारियों से बच सके. और जो हमारे दिलों में जो शक शुबात है, इश्कालात है कि भाई इसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या हमारे बच्चों को आगे चल के इसकी वजह से कोई परेशानी हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ये बिल्कुल सेफ है और सभी को ये पूरे जितने भी हिंदुस्तान में ये मुहिम चल रही है और छोटे बच्चे 9 महीने से लेकर 15 साल के बच्चों को ये टीका लगाया जा रहा है, तो ये देना बिल्कुल ज़रूरी है और बिल्कुल सेफ है. इसके लिए हमारे दिलों में जो भी शक शुबात है, इश्कालात है, उसको जो है तो हम अपने दिल से निकाल दें और अपने बच्चों को ज़रूर ज़रूर टीका देने की हम पूरी पूरी कोशिश करें. मौलाना मुनीर अहमद उर्दू हाईस्कूल कोपरगाँव में गोवर और रुबेला के टीके का इनेकाद किया गया. कई सरपरस्तों के दिमाग में कुछ मशकूक बातें थी और कुछ इधर उधर की बातें उन लोगों ने सुन लिए थे और वो नहीं देना चाहते थे अपने बच्चों को, लेकिन जब उनको समझाया गया और सामाजिक कारिंदों ने भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा लिया, आज हमारे स्कूल के तकरीबन 90% बच्चे इस टीके को ले रहे हैं. बड़ी खुशी हो रही है. हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा मुल्क एक तंदुरुस्त हिंदुस्तान होगा. यावेळी आरोग्य सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी तसेच शाळेचे शिक्षक मसूद सर, रज्जाक सर, महमूद सर आणि महिला शिक्षिका, विद्यार्थी तसेच पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रतिनिधी मोबिन खान, माय न्यूज, कोपरगाव.